पहली बार ऐसा कंसेप्ट दिखा रहा हूँ ऐसे बैठ के कहीं द माइटी, आप सब पहचान ही गए होंगे आज कौन सी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट टू लास्ट वीडियो की कंसेप्ट को लेके कि मतलब भैया क्या कंसेप्ट है फॉर द बाइक डायरेक्ट पे एंड गो, तो मैंने उसमें आपको पूछा था कि अगर आपको कोई सी बाइक चाहिए कि मैं उसको रिव्यू करूँ या मैं उसके बारे में आपको बताऊँ या उसके बारे में आपको समझाऊँ, तो सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे अपनी हमारी प्यारी हायाबुसा को लेके विद वाइट कलर, मतलब ये थोड़ा वो मिल्की वाइट होता है ना, मिल्की वाइट कलर है। तो आज इसके बारे में आपको सारी स्पेसिफिकेशन देने वाला हूँ, ओवरव्यू देने वाला हूँ, नॉट अ रिव्यू, क्योंकि मैं इसको चलाऊंगा नहीं क्योंकि मैं अभी नॉट 18 प्लस हूँ, चला भी नहीं सकता। और ये बहुत बीस्ट है, 1300 सीसीज ऑफ मैडनेस है गाइस ये। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, बाकी मैं आपको इस बाइक की पूरी डिटेल्स दूंगा, एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा, इसके अंदर कौन सी एसेसरीज, ज़्यादा मच ऑफ द एसेसरीज नहीं है बट जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर हम फर्दर बात करेंगे अगर ये बाइक अगर आपको चाहिए विद मेंबरशिप और विदाउट मेंबरशिप तो क्या प्राइसिंग पड़ेगी। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट फिनिशिंग टाइम, तो पहले आप सिनेमैटिक एंजॉय करो, फिर हम फर्दर वीडियो के बारे में बात करेंगे और फिर आते हैं बूसा की तरफ। तो लेट्स गो। द सिनेमैटिक शॉट्स। तो वैसे अब फर्दर आते हैं बाइक के बारे में बात करने को लेके। मैं सोच रहा हूँ आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि मैं आपके बाइक के बारे में समझाऊं, तो वैसे अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा चलते हैं बाइक की तरफ। और इसके अंदर जो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं ना, उस एग्जॉस्ट नोट की आवाज़ जो है ना काफ़ी बेसी है, काफ़ी मेस्मराइजिंग आवाज़ है आपके कानों को, मतलब मज़ा आ जाएगा। ऐसी वो जो फट जाता है, मतलब जो मतलब कानों में चुभती है वैसी आवाज़ नहीं है, बेसी आवाज़ है, वो मैं आपको वीडियो में फर्दर समझाऊंगा। तो चलते हैं बाइक की तरफ। सो गाइस, बाइक के बारे में अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास 2011 हायाबुसा 2011 रजिस्टर विद मिल्की वाइट कलर। गाइस ये एकदम परफेक्ट वाइट नहीं है, ये मिल्की वाइट कलर है, जो मैंने आपको फर्दर एक और वीडियो में दिखाया था उससे पहले। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है दो हायाबुसा की सेम वाइट कलर एंड मिल्की वाइट कलर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके ज़रूर देखें। तो गाइस अगर इसके अंदर हम बात करें तो ये डबल डिस्क वेरियंट है, ये देख सकते हो गाइस। ब्रैम्बो ब्रेक्स नहीं है क्योंकि 2011 तक ब्रैम्बो ब्रेक्स नहीं आती थी। फिर अगर आए टायर की तरफ तो ये सुपरमैक्स का टायर इसके अंदर लगा हुआ है। इसकी टायर कंडीशन नॉट उतनी अच्छी नहीं है, बट टायर अभी वॉर्न आउट नहीं हुआ है, अगर चलाने लायक है। थोड़ा अगर हम पीछे आए तो यहाँ पे हायाबुसा का बड़ा प्यारा सा लोगो है विथ मिल्की वाइट कलर का। इसके अंदर आप डिफरेंस देख सकते हो, ये जो कलर है थोड़ा सा आपको ज़्यादा वाइट लग रहा होगा, ये जो लोगो है इसके अंदर आपको जो कलर दिख रहा है वो मिल्की वाइट है। फिर यहाँ पे एक क्रैश गार्ड लगा हुआ है विथ गोल्डन ग्रिप्स, और ये जो ब्लैक कलर की ग्रिप्स हैं ये देखो थोड़ा सा इसके अंदर स्क्रैचेस भी हैं क्योंकि ये एक दो बार फॉल हो चुकी होगी। ये क्या काम आते हैं अगर मैं आपको समझाऊं कि क्रैश गार्ड्स का क्या काम है। इसके अंदर फर्दर एसेसरीज नहीं है, तो जो भी हैं उनके बारे में आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। तो गाइस अगर आपकी बाइक
इन केस कभी भी फॉल होती है, किसी राइड पे गिरती है, तो गाइस ये क्रैश गार्ड देख सकते हो इतना बाहर होता है। ये जब आपकी बाइक फॉल करेगी तो ये आपकी जो फेयरिंग है इसको कोई नुकसान नहीं होगा, सारा जो वेट होगा वो आपका क्रैश गार्ड ले लेगा। मेन इसका काम सिर्फ यही होता है। बाकी गाइस अगर हम थोड़ा पीछे आए तो गाइस अगर बाइक के लुक्स देखो, कितने मेस्मराइजिंग लुक्स हैं बाइक्स के। ये जो मिल्की वाइट कलर है बाइक के ऊपर कितना प्यारा लग रहा है। GSA 1300R नेक्स्ट लेवल। सो गाइस क्रैश गार्ड के बारे में बात करने के बाद अगर हम थोड़ा और पीछे आए तो इसके अंदर लगे हुए हैं टू ब्रदर्स के एब्सोल्यूट टॉप लेवल के एग्जॉस्ट, जो मेस्मराइजिंग आवाज़ है गाइस इनकी, बहुत प्यारी आवाज़ है। आपको इतना तो पता ही होगा कि हायाबुसा में दोनों साइड एग्जॉस्ट होते हैं, तो टू ब्रदर्स के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं इसके अंदर। HR नंबर एक कार बाइक है, बाकी मच इसके अंदर कोई एसेसरीज नहीं लगी हुई है ज़्यादा। इसका जो आप एक बार लुक्स एंजॉय कर सकते हो, ये जो मिल्की वाइट कलर है इसका, जो आपकी आंखों को काफ़ी लुभाएगा। सो गाइस एक बार मैं आपको फ्रंट लुक दिखाता हूँ आप। हियर वी गो। सो गाइस ये देख सकते हो आप कितना मेस्मराइजिंग लग रहा है। ये सब स्टॉक है बट इसके अंदर कुछ ज़्यादा सीसी नहीं है, तो मैं आपको हर ये छोटी छोटी चीज़ें ऑन ऑफ कर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पसंद आए। तो गाइस अब बात आती है इसके डैश के स्टार्टअप को लेके, जो हायाबुसा की मेन अट्रैक्शन है। इसका जो डैश होता है वो काफ़ी प्यारा स्टार्टअप होता है। तो गाइस हियर वी गो। गाइस नेक्स्ट लेवल स्टार्टअप है इस बाइक का, अभी आप इसमें देख सकते। सो गाइस वो करता हूँ आपको, जो ये जितना ही मैंने आपको बताया बाइक के बारे में वो आपको पसंद आया हो। इसमें मच ऑफ देश इसलिए नहीं आया, सो सॉरी, एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट नोट की आवाज़ मैंने आपको सुनाई। तो गाइस अगर मैं बात करूँ इस बाइक को, आप अगर आप राइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये बाइक आपके पास आए, आप चलाना चाहते हो, तो पिछली वीडियो में हमने आपको कंसेप्ट समझाया था, व्हाट द कंसेप्ट ऑफ मेंबरशिप एंड ओपन हायरिंग। अगर आप ओपन हायरिंग में बाइक लेते हो तो आपको ये बाइक पड़ेगी 15,000 rupees की, उसके अलग आपको सिक्योरिटी भी रखवानी पड़ेगी। बट अगर आप मेंबरशिप ले लेते हो 10,000 वाली, 50,000 वाली, 1,00,000 वाली, कुछ भी लेते हो, अगर आप 10,000 वाली लेते हो तो ये बाइक अगर आपको पड़ेगी फॉर होल वन डे 100 किलोमीटर्स रन अप फॉर 5,000 ओनली। 5,000 में हायाबुसा आपको कहीं नहीं मिलेगी यार। बाइक्स रिव्यू करता हूँ, बहुत सी जगह घूमा हूँ, हर जगह मैंने बाइक्स देखी हैं, बट मतलब ये बाइक का ये कंसेप्ट पे टू गो, आपको कोई दे रहा है बाइक, आपको चलाने के लिए दे रहा है, आपको एक एक्सपीरियंस दे रहा है नेक्स्ट लेवल। 1300 cc ऑफ मैडनेस है गाइस, ये हर किसी से नहीं चलती, हर किसी से संभलती भी नहीं है, बट 5,000 में आपको ये बाइक मिल रही है यहाँ पे ओनली एट मुकेश भैया के पास। तो गाइस जो लोकेशन है, एड्रेस होगा, भैया का नंबर होगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर है, एक बार आओ विजिट ज़रूर करो, बाइक देखो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। अगर एग्जॉस्ट नोट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मच अबाउट मेरे को उसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, सो सॉरी, ये एक ओवरव्यू है, रिव्यू नहीं है, बट आई लव सुपर बाइक्स, इसलिए मैं आता हूँ आप लोगों के लिए कंटेंट शूट करने के लिए। बस पीछे 14R खड़ी है, काफ़ी सारी मोर ऑफ द बाइक्स खड़ी हैं, तो उसके लिए भी अगर आप आना चाहते हो तो उनको भी आके ज़रूर चेकआउट करो। सो गाइस एक बार मैं आपको भैया से मिलवा देता हूँ, जो भैया हैं मुकेश भैया, तो आज हमारे साथ है मुकेश भैया, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने भैया से आपको सब कुछ समझवाया था कि क्या कंसेप्ट है। बट हायाबुसा की क्रेज़ अलग है, मेरे को पक्का पता है हायाबुसा के ऊपर आपका अलग ही रिस्पांस होगा। तो मैं भैया को फिर से बोलूँगा कि एक बार हमारे व्यूअर्स को हेलो ज़रूर कह दीजिए, और बाकी एक बार कंसेप्ट ज़रूर समझा दें कि अगर हायाबुसा चाहिए तो आपको ये प्राइस रेंज देना पड़ेगा। सर ऐसा है, जो हायाबुसा के प्रेमी हैं उनके लिए अगर आपको चाहिए, अगर आप मेंबरशिप में नहीं आना चाहते, अगर आप डायरेक्टली ओपन पैकेज में आना चाहते हो, ओपन पैकेज हमारा 15,000 का है, जो कि सिंगल डे से लेके 24 hours से लेके 72 hours तक कन्वर्ट हो सकता है। 72 जो 24 hours का पैकेज है उसमें 110 kilometers विद फ्यूल मिलता है, और बाकी अगर आपको एक्सटेंड करना है उसको विद इन द सेम प्राइस 15,000 में आप उस पैकेज को एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 72 hours। बट आपको जो बाकी किलोमीटर्स है दैट यू हैव टू परचेज। इफ़ यू आर नॉट राइडिंग मोर देन 110 kilometers यू कैन कीप द बाइक फॉर 3 days एंड इन दैट किलोमीटर्स ओनली। इफ यू वॉन्ट टू राइड मोर देन यू हैव टू परचेज द किलोमीटर। तो इन दिस कैटेगरी वी हैव 3 bikes 15,000 में, जो कैटेगरी है उसमें हमारे पास आपको मिल जाएगी हायाबुसा, आपको मिल जाएगी कावासाकी 14R, आपको अगर आप क्रूजर लाइक करते हैं तो आपको सॉफ्ट कार से मिल जाएगी। तीन बाइक, हाँ डेफिनेटली वी हैव 3 bikes करंटली।
एंड यू कैन ऑप्ट एनी बाइक, और अगर आप चाहते हैं कि आपको तीन बाइक्स भी चलानी है, यू कैन कम ओवर, यू कैन डिस्कस विद अस, कस्टमाइज पैकेज भी हम बता देंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड. जो पैकेज सब कुछ अवेलेबल है, आपको आके एक बार बात जरूर करनी पड़ेगी. बाकी मैंने भैया को मिलवा दिया, आप यहाँ पे जब भी आओगे तो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक बार विजिट जरूर करें. तब तक के लिए मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. एक बार भैया सब्सक्राइब के लिए जरूर बोल दो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को. ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, प्लीज सब्सक्राइब. तो गाइस जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज मिस्टरीबॉयवलॉग्स साइनिंग आउट टुडे विद मुकेश भैया. टिल देन बाय. सो गाइस जैसा कि बार लास्ट वीडियो में हमने आपको एक चीज दिखाई थी कि की टू हैप्पीनेस क्या होता है. गाइस हर बाइक आपकी फेवरेट होती है, हर चीज़ फेवरेट होती है, बट गाइस जो चीज़ की टू हैप्पीनेस होती है ना, वो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा अगर. तो गाइस ये जो चीज़ होती है ना, हायाबुसा का जो लोगो जहाँ दिख जाता है, जिस बाइक पे हायाबुसा का लोगो दिख जाता है ना, वो बाइक नेक्स्ट लेवल होती है. अगर आप चाहते हो कि हायाबुसा में मतलब सरस्वती मोटर्स पे आपको चला के मतलब नेक्स्ट लेवल खींचते हुए भैया को दिखाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. बाकी पार्किंग में 14 आ रहा है, सॉफ्ट टेल है, काफ़ी सारी बाइक्स हैं. अगर वो भी आप देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ. मैं कभी और भी आऊँगा, ज़रूर शूट करूँगा. अभी भैया भी थोड़े बिजी हैं, मैं भी, मेरे को भी किसी शूट के लिए जाना है. तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको कोई और सी बाइक दिखाऊँगा, अगर आपकी डिमांड होगी तो, ओनली ऑन पब्लिक डिमांड.